नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुलिस ने ट्रक लूट कांड का किया खुलासा, तो अभियुक्त पुलिस ने किए गिरफ्तार। उनकी निशानदेही पर ट्रक में लोड 40 मोटरसाइकिलें बरामद। बाइकें होंडा कंपनी की थी, ट्रक लोड होकर गुड़गांव से कोलकाता के लिए रवाना हुआ था। चालक के हेल्पर ने घटना को अंजाम दिया और अपने दो साथियों के साथ मिलकर पहले ट्रक चालक की मारपीट की, उसके बाद ट्रक से नीचे उतारकर सिर में पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव कुदैया के पास तालाब में फेंक कर फरार हो गए। दो आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। पर्दाफाश करने वाली पुलिस को पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने 25,000 रुपए का नगद इनाम दिया है। बदमाश ट्रक सहित मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में थे। घटना थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव कुदई की है। पकड़े गए, क्या मामला है सर? पूरा थाना कुर्रा क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा होंडा गाड़ी, 40 होंडा गाड़ियां थी जो कि गुड़गांव से लोड होकर के कलकत्ता जा रही थी। ड्राइवर उसमें और कंडक्टर, पूरी टीम लेकर के रवाना हुई थी पिछले दिनों। बाद में फिर ये गाड़ी पुर्रा क्षेत्र में लावारिस दशा में मिली। इसके बाद फिर उसको थाने पर दाखिल किया गया था। दाखिल करने के बाद फिर उसका फिर आगे जांच पड़ताल की गई, DPRS सिस्टम चेक किया गया, गाड़ी पर लिखे जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थे उससे संपर्क किया गया। इसमें सर्विलांस टीम, हमारी स्वाट की टीम और लोकल इंस्पेक्टर, ये पूरी टीम, हमारे एडिशनल SP, ये पूरी टीम लगी इसमें। और इसमें घटनाक्रम इस तरह से रहा कि उस ड्राइवर जो सत्यन चला रहा था, उसको जो एक गिरफ्तार शुदा ये दो अभियुक्त हैं, ये जयराम और अजीत। जयराम यहाँ कुर्रा क्षेत्र कराने वाला है, अजीत चंदौली थाना आगरा कराने वाला है और एक अन्य अभियुक्त जो कि फरार अभी है। इन सबों ने साजिश के तहत एक गाड़ी जो कानपुर तक ले गए, वहाँ से GPRS बंद किया और फिर वापस ले आ गए कुर्रा क्षेत्र में। उस ड्राइवर को बेरहमी के साथ हत्या की और गाड़ी वहीं पर खड़ी होकर के और उसके बेचने के फिराक में थे। इसी बीच में पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को जो कि थाने में दाखिल कर दिया गया था, अतः इनकी प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और ये लोग फिर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जो कि आज उचित सेक्शंस में मुकदमा दर्ज है और जेल भेजे जा रहे हैं। एक अभियुक्त अभी इसमें अभी भी फरार चल रहा है, उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। पूरी टीम को 25,000 रुपये, क्योंकि एकदम ब्लाइंड केस था, इस पर रिवार्ड घोषित किया गया। पुलिस पूछताछ में सर कोई पहले भी कोई क्राइम किया है? इसकी जांच की जा रही है। इसमें छोटू की तो लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री जानकारी में आई है, खंदौली आगरा से ये जानकारी में आया है। गढ़ी राठौर ग्राम है, वहाँ से जानकारी मिली है कि पहले भी साथी रफ्तारी रहा है और इन सबों ने एक साजिश के तहत इस ड्राइवर की हत्या की थी और लावारिस हिस्सा में उसको शव को फेंक दिया था। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।